अब अपने सवाल पे आ गए हैं। अब ये सवाल करेंगे अपने, इसमें देखिए केवल अपने को हर काम क्या करना है, अपने को संयुग्मी, संयुग्मी से गुणा करना है। तो केवल हर के अंश कोई है अपने को मतलब नहीं है, हर देखिए रूट तीन प्लस एक है, इसका संयुग्मी क्या होता है, केवल चिन्ह बदला जाता है, रूट तीन माइनस एक कर दो, ये इसका संयुग्मी हो गया। इतने से ही ऊपर वाले को गुणा करना है, रूट तीन माइनस एक। अब देखिए अपने ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसा हो गया, तो इसमें क्या होता है ए का होल स्क्वायर और बी का होल स्क्वायर। तो मैं रूट तीन का होल स्क्वायर कर देता हूं और माइनस एक का होल स्क्वायर कर देता हूं। ऊपर वाला देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी आ गया, इसमें क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो पहले का होल स्क्वायर माइनस दो अपने पास से गुणा पहली गुणा दूसरी प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, तो ये ए की स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी की स्क्वायर होता है। अब इसी प्रकार इसको लेते हैं अपने, देखिए रूट तीन का होल स्क्वायर माइनस दो अपने पास से गुणा रूट तीन गुणा दूसरी कितनी है एक प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तीन, रूट उठ गया स्क्वायर होते ही माइनस दो रूट तीन और प्लस कितना हो गया एक। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, देखिए तीन माइनस दो रूट तीन और प्लस एक। अब आगे हल करेंगे, ये प्लस का तीन है ये प्लस का एक है, प्लस के तीन और एक चार हो गए, माइनस दो रूट तीन हो गए, बट्टा में देखिए रूट तीन के ऊपर घात है तो रूट उठ गया तीन माइनस एक, तो ये नीचे वाला आ गया दो। अब इसमें देखिए अपने को दो लाना है, दो कैसे लाएंगे, यहाँ देखिए चार में दो जब का भाग जाता है और दो में भी दो का जाता है, दो को कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालने मतलब भाग देना, चार में दो का भाग देंगे दो, यहाँ दो का भाग दिया एक, एक कभी लिखते नहीं, तो ये रूट तीन और बटा में दो था, दो से दो को काट दो, अपना आंसर आ गया दो माइनस रूट तीन, ये आ गया। अब देखिए अब इसके बराबर रखिए ए माइनस बी रूट तीन बराबर दो माइनस रूट तीन, ठीक है। अब ए का मान तो सीधा ही आ गया, ए बराबर कितना हो गया दो। अब देखिए माइनस बी रूट तीन बराबर माइनस रूट तीन है, माइनस से माइनस को उड़ाओ पहले, तो अब बी बराबर रूट तीन, ये बटा में जाएगा रूट तीन, रूट तीन एकम रूट तीन, बी का मान आ गया एक, यानी ए का मान आया दो और बी का मान आ गया एक। इस प्रकार से अपने बड़ी सरलता से इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।